लास्ट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ऑप्टिकल ग्लास पढ़े थे, आज हम लोग ऑप्थेल्मिक ग्लास पढ़ेंगे। ये जो ग्लास होता है ये ऑप्टिकल ग्लास के ही सिमिलर होता है, लेकिन इसके थोड़े एनीलिंग प्रोसेस में अंतर होता है। एनीलिंग जो है इसको रोल्ड सील्ड सीट के रूप में करते हैं, और इसका यूज़ प्राइमरी रूप से गोगल्स के लेंस बनाने के लिए या आई में जो लेंस का यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। जो आइडियल लेंस होते हैं जिसका यूज़ हम लोग आई के लिए करते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, साथ ही साथ गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये थोड़ा रफ़ भी यूज हो जाता है, यदि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होगा कि आसानी से ब्रेक कर जाएगा। साथ ही साथ आप देखे भी होंगे कि जो गूगल्स के लेंस होते हैं बहुत थिन होते हैं, उतने थिन होने के बावजूद भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, लो वेट होना चाहिए, लो वेट रहेगा तभी हम लोग पहनने में आसानी होगी, और इजी टू मैन्युफैक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे रॉ मटेरियल को ऑप्टिमाइज कर दें कि उसको मेल्टिंग ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, उसका फैब्रिकेशन ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, उसकी पॉलिशिंग ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, तो ऐसे रॉ मटेरियल्स के कंपोजिशन का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट निकले तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि हम लोग खरीद ही नहीं पाएँ या हम लोग आसानी से सेल्स ही नहीं कर पाएँ। तो जो भी प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए वो ऐसे देखते हुए करना चाहिए कि जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट निकले वो इनएक्सपेंसिव हो। इस ग्लास को बनाने के लिए हम लोग दो तरह के कंपोजिशंस का यूज़ करते हैं, दो तरह के रॉ मटेरियल्स के कंपोजिशंस का यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग एक तो होता है क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं बताओ, या पोटेशियम ऑक्साइड्स, और फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास को बनाने के हम लोग लेड ऑक्साइड्स का यूज करते हैं। तो ये जनरली दो तरह के कंपोजिशन के बने होते हैं, क्राउन ग्लास के कंपोजिशन का और फ्लिंट ग्लास के कंपोजिशन का। जो क्राउन ग्लास का होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है, और फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.62 होता है। इसी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण हम लोग इसका यूज़ ऑप्टेथेल्मिक ग्लास के लिए करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग पॉट फर्नेस लेते हैं, और पॉट फर्नेस में जो डिज़ायर कंपोजिशन है उसको लेकर के मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद ये ध्यान रखा जाता है इसके क्वालिटी को हमें मेंटेन रखना है। और ग्लास मेल्ट जब हमारा रिफाइंड हो जाता है, तो रिफाइन होने के बाद हम लोग इसको वेरियस शेप्स में कास्ट कर लेते हैं, कास्टिंग के बाद एनीलिंग करते हैं, एनीलिंग करने के बाद इस ग्लास को हम लोग कटिंग और पॉलिशिंग के लिए भेजते हैं, जिस जो स्टैंडर्ड हमारा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उतने शेप का डायरेक्ट हम लोग कास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग पॉलिशिंग के माध्यम से डिक्रीज करते हैं, या कटिंग डायमंड कटिंग टूल्स के मदद से इसको उस शेप में काटा जाता है। पॉलिशिंग होने के बाद हमारा फाइनल जो है सरफेस तैयार हो जाता है। इसके बाद इसको अलग अलग तरह के कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कोटिंग के लिए हम लोग भेज देते हैं, जैसे कि हम लोग एंटी ग्लेयर कोटिंग करते हैं, जो लाइट्स हमारा आए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो, वो पास आसानी से कर जाए, तो या वो आप लोग सन ग्लास को देखे होंगे कि वो जब धूप में जाता है तो वो डार्क हो जाता है, तो ये इस तरीके की कोटिंग उसमें की जाती है। कोटिंग करने के बाद जो है हम लोग उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन में कोई भी तरह के डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, यदि
कोई डिफेक्ट होता है तब हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज जो है यदि इंस्पेक्शन में वो पास कर जाता है तो फिर हम लोग उसको पैक करके डिस्पैच कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ऑप्थल्मिक ग्लास को बनाने का। नेक्स्ट जो ग्लास होता है वो होता है फाइबर ग्लास, और इसी मेथड से हम लोग रॉड ग्लास को भी बनाते हैं। फाइबर ग्लास जो है वो कंटिन्यूअस ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है। इसमें क्या है कि हम लोग हाई क्वालिटी के साथ साथ स्मॉल डायमीटर तक के फाइबर्स को भी बना सकते हैं, जिसका यूज़ जो है कम्युनिकेशन सेक्टर्स में होता है। जैसे कि आप लोगों ने आजकल इंटरनेट जो इतनी स्पीड से चल रही है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के ही यूज से चल रहा है। इसमें जो भी हम लोग सिग्नल्स को भेजते हैं लॉस बहुत कम होता है, इस वजह से इसका यूज जो है कम्युनिकेशन सेक्टर्स में किया जाता है। फाइबर ग्लास का यूज साथ ही साथ इंसुलेशन पर्पस से भी किया जाता है कि क्योंकि ये जो है हीट का इंसुलेटर होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग इंसुलेटर पर्पस से भी बहुत सारे फर्नेसेस के अंदर करते हैं। फाइबर ग्लास को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो टैंक फर्नेस से टैंक फर्नेस से जो या हमारा पॉट फर्नेस जो से जो रिफाइंड मेल्ट निकलता है, इसको हम लोग एक ऑर्फिस प्लेट होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिस डायमीटर का फाइबर को हमें विड्रॉ करना है या ड्रॉन करना है उस डायमीटर के उस प्लेट्स में होल होते हैं, और उसको हम लोग प्री हीट कर देते हैं। उसके बाद मोल्टेन ग्लास को उसे पास कराते हैं। मोल्टेन ग्लास से जब पास कराएंगे तो वो छोटे 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 फाइबर्स में ड्रॉन होगा, और उसके बाद हम लोग उसको कूल कर देते हैं। कूल करने के बाद इसको गेदर करते हैं और इसको कलेक्ट कर देते हैं, और कलेक्ट करके रोल करके रख लेते हैं। रोल करके फिर इसको जो है ये एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग के बाद हम लोग इंस्पेक्शन और कटिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फाइबर ग्लास को बनाने का। और फाइबर ग्लास का क्या यूज़ है हम लोग देख ही लिए कि इसका यूज जो है इंसुलेशन के लिए किया जाता है, और कम्युनिकेशन सेक्टर में सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किया जाता है।